व्हाट्स अप गाइस, दिस इज देवनाथ, ये है ऑफिशियल फिटनेस। अभी जैसा कि आज बात करने वाला हम BCAA ब्रांच एंड MNS सेट के ऊपर, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। रीजन क्या है, इस रीजन को समझने के लिए आपको लास्ट तक देखना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो BCAA है, ब्रांच एंड MNS सेट। MNS सेट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल। जो इसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हम लोग बाहर से एक्सटर्नली फूड के थ्रू या तो सप्लीमेंट के थ्रू एमिनो एसिड को प्रोवाइड करते हैं। नॉन इसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है ऐसे एमिनो एसिड। तो जो BCAA ब्रांच एंड एमिनो एसिड है, इसके अंदर तीन चीज़ पाई जाती है। सबसे पहले लुसीन, आइसोलुसीन और वैलिन, जो कि इसका रेशियो होता है 3:1:1। ठीक है, तो ये रीजन क्या है, किनको यूज करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। मैं ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा क्यों रखा हूँ, रीज़न ये है कि जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है। तो उस टाइम में बिफोर वर्कआउट मैं ऐसे एमिनो एसिड का यूज करता हूँ, BCAA का, कि मेरी बॉडी जो है एनाबॉलिक स्टेट में आ जाए, यानी कि कैटाबॉलिक से एनाबॉलिक स्टेट में आ जाए। कैटाबॉलिक क्या है, जो हमारे मसल्स से एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर ज़्यादा देर तक मैं अगर वर्कआउट करूँगा या ज़्यादा देर तक कहीं पर भी अपना एनर्जी स्पेंड करूँगा, तो मेरी बॉडी जो है एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करेगी, बाय मसल। यानी कि एक मैंने शील्ड बना के रखा हुआ है, कि यानी मैंने अभी तक जितने भी मसल बिल्डअप किया है उसके ऊपर एक शील्ड बना के रखा है, कि जो भी मैंने मसल बिल्ड किया है वो कहीं और इन्वेस्ट ना हो। इन्वेस्ट ना हो मीन्स कहीं भागे मत, कहीं टूटे मत, ब्रेक डाउन ना हो मेरे मसल्स। सबसे बड़ा रीज़न ये है, यानी ये प्रिवेंट करता है हमारे मसल ब्रेक डाउन है। तो BCAA डबल ए मतलब ब्रांच एंड एमिनो एसिड उन्हीं को लेना चाहिए जो लोग ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मॉर्निंग में उठते उठते एग तो मैं खा नहीं पाता हूँ, जो लोग एग नहीं खाते हैं उस टाइम मॉर्निंग में आपकी बॉडी जो है कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, तो एग जो लोग खाते हैं तो उनको BCAA की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नहीं खाते हैं उनको ब्रांच एंड एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में आ जाती है। यानी कि अर्ली मॉर्निंग 5 ग्राम, बिफोर वर्कआउट 5 ग्राम, ठीक है, और वर्कआउट के बाद जो लोग वे प्रोटीन यूज करते हैं उनको ज़रूरत नहीं है BCAA की। ठीक है, जो लोग वे प्रोटीन यूज नहीं करते हैं उनको एमिनो एसिड की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वे प्रोटीन में ऑलरेडी ब्रांच चेन एमिनो एसिड होता है, उनके इंग्रेडिएंट आप देख लीजिएगा, जो लोग भी वे प्रोटीन यूज़ करते हैं उसमें BCAA, जो लुसीन, आइसोलुसीन और वैलिन उसमें ऑलरेडी रहता है, तो वो लोग नहीं ले सकते 5 ग्राम वर्कआउट के बाद। वर्कआउट से पहले आप कोई ऐसे एमिनो एसिड तो लोगे नहीं कोई ऐसे डाइट से। और रही बात सप्लीमेंट की, आप सप्लीमेंट ले सकते हो 5 ग्राम प्री वर्कआउट में, और मॉर्निंग उठते टाइम जो लोग एग नहीं ले पाते हैं वो लोग ये ले सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिश, टर्की, चिकन, एग ऑलरेडी उसमें एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खाते हो ऐसे नॉन वेजिटेरियन, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें आपको BCAA की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का पूरा ओवरऑल वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा होगा ब्रांच एंड एमिनो एसिड के ऊपर। और जो मैं यूज़ करता हूँ नैक प्रो का, मैं यूज़ करता हूँ ब्रांच एंड एमिनो एसिड नैक प्रो का, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और हेल्पफुल है। मैं इसको स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है मेरे सील्ड टाइप, मतलब कि मसल्स ब्रेक डाउन में हेल्प किया, प्रिवेंट किया उस चीज़ को। तो आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा होगा। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम की आईडी को जाके मेरा फॉलो कीजिए, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बताइए BCAA का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जो लोग भी मसल बिल्डिंग में अपना प्रोग्रेस बढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ का भी सही यूटिलाइज कीजिए और सही इस्तेमाल कीजिए और लीजिए और देखिए और बताइए कैसा है। और साथ ही साथ मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, ऑफिशियल फिटनेस अभी साइन ऑफ।